कोलकाता नाइट राइडर्स की धमाकेदार जीत के बाद बदला आईपीएल 2022 का पॉइंट टेबल। चेन्नई सुपर किंग्स को लगा बड़ा झटका तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हुआ बड़ा फायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 8 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स की टीम को 6 विकेट से हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आईपीएल 2022 के 8वें मुकाबले के बाद अब पॉइंट टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम सबसे बेहतरीन स्थिति में है, कौन सी टीम सबसे खराब स्थिति में, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2022 के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के रेस की टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम और आपका फेवरेट खिलाड़ी इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया और पंजाब किंग्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पंजाब किंग्स की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, लेकिन इसके बाद भानुका राजपक्षा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 9 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद पूरी टीम का पासा ही पलट गया और 8.2 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट हो गई पंजाब किंग्स की टीम। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन फिर आंद्रे लसेल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 14.3 ओवर में ही अपने नाम पर कर लिया था। इसके बाद आईपीएल 2022 का पूरा पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुका है। तो दोस्तों, हम बात करें फिलहाल यहाँ पर पॉइंट टेबल में नंबर 10 की, तो यहाँ पर नंबर 10 पर मौजूद है सनराइज हैदराबाद की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला, एक ही मुकाबला हारा और इनकी नेट रन रेट है -3.050 के साथ ये नंबर 10 पर मौजूद है। तो नंबर 9 पर यहाँ पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला, एक ही मुकाबला हारा और इनकी नेट रन रेट है -0.914। तो वहीं पर नंबर 8 पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले हारे और इनकी फिलहाल नेट 100 है 0.528। वहीं पर इस लिस्ट में नंबर 7 पर पहुंच चुकी है पंजाब किंग्स की टीम, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले, एक मुकाबला हारा और इनकी नेट 100 है -1.183 और 2 अंकों के साथ ये नंबर 7 पर मौजूद है। तो वहीं पर इस लिस्ट में नंबर 6 पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले, एक मुकाबला हारा और फिलहाल इनकी नेट 100 है -0.48 के साथ 2 अंकों के साथ ये टीम नंबर 6 पर मौजूद है। तो नंबर 5 पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम, जो 2 अंकों के साथ फिलहाल मौजूद है नेट 100 -0.011 के साथ और इन्होंने 2 मुकाबले खेले और एक मुकाबला हारा। वहीं पर इस लिस्ट में फिलहाल नंबर 4 पर पहुंच चुकी है गुजरात टाइटेंस की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला, एक ही मुकाबला जीता और फिलहाल इनकी नेट 100 है 0.286 2 अंकों के साथ ये नंबर 4 पर मौजूद है। तो वहीं पर नंबर 3 पर मौजूद है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला, एक ही मुकाबला जीता और 0.914 नेट 100 के साथ फिलहाल ये नंबर 3 पर मौजूद है। तो वहीं पर इस लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिन्होंने एक मुकाबला खेला, एक ही मुकाबला जीता और इनकी नेट 100 +3.050 के साथ 2 अंक लेकर यह टीम फिलहाल नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। वहीं पर इस लिस्ट में पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले, 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और इनके अंक है फिलहाल 4, इनकी नेट 100 है 0.883 के साथ फिलहाल ये टीम नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे लास्ट में चल रही है फिलहाल सनराइज हैदराबाद की टीम, तो वहीं पर नंबर 1 पहुंच चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस के बारे में, तो टॉप 5 बल्लेबाजों के में नंबर 1 पर चल रहे हैं फिलहाल आंद्रे रसेल, जिनके 95 रन है, तो नंबर 2 पर फाफ डुप्लेसिस, जिनके 93 रन है, तो नंबर 3 पर ईशान किशन, जिनके 81 रन है, तो वहीं पर नंबर 4 पर रोबिन उत्थप्पा, जिनके 78 रन है, तो नंबर 5 पर मौजूद है भानुका राजपक्षा, जिनके 74 रन है। ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल नंबर 1 पर चल रहे हैं आंद्रे रसेल 95 रनों के साथ। तो वहीं पर टॉप 5 गेंदबाजी की हम बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 पर चल रहे हैं उमेश यादव, जिनके 8 विकेट है, तो नंबर दो पर मौजूद है टीम साउथी, जिनके 5 विकेट है, तो नंबर 3 पर मौजूद है वानिंदु हंसरंगा, जिनके भी 5 विकेट है, तो नंबर 4 पर मौजूद है डीजे ब्रावो, जिनके 4 विकेट है, तो वहीं पर नंबर 5 पर आकाशदीप, जिनके भी 4 विकेट है।
तो दोस्तों फिलहाल इस लिस्ट में नंबर वन चल रहे हैं उमेश यादव, जो 8 विकेट के साथ ही फिलहाल पर्पल कैप की रेस में नंबर वन पर चल रहे हैं। तो वहीं पर ऑरेंज कैप की रेस में नंबर वन चल रहे हैं आंद्रे रसल। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सा खिलाड़ी और कौन सी टीम बनेगी नंबर वन, हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।